हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ होम मेड एलोवेरा जेल फेशियल। सो गाइज, आप इसे वीक में दो बार यूज़ करें एंड आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे गाइज। एंड ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस थिंग। सो लॉकडाउन का टाइम था तो मैंने सोचा मेकअप के साथ साथ मैं आप लोग के साथ स्किन केयर भी शेयर करती हूँ, क्योंकि घर बैठे बैठे हम लोग मेकअप तो नहीं कर सकते बट अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं, उसे और अच्छा बना सकते हैं इस लॉकडाउन में। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आप इसे ट्राई करते हो, आपको ये अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें, ताकि इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहला स्टेप है क्लीनिंग। सो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ वाओ का एलोवेरा जेल, देन मैं यहाँ हाफ लेमन ले रही हूँ। उसे मैं अच्छे से दोनों को एक बाउल में मिक्स कर लूँगी, देन मैं उसे अप्लाई करने के लिए कॉटन लूँगी एंड इसे मैं पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लूँगी। इससे हमारा जो फेस है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एंड गाइस, नींबू जो होता है वो हमारे फेस से जो दाग धब्बे होते हैं, पुराने एक्ने होते हैं, जो पिगमेंटेशन होती है हमारे फेस पे, वो भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, अपने नेक एरिया पे भी। एंड मैं इसे 2 मिनट तक अपने फेस पे रहने दूँगी। तो गाइज, मैंने अपने फेस को क्लीन करके पैड ड्राई कर लिया है। सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। उसके लिए मैंने यहाँ सुगर लिया है एंड इसे मैंने हल्का दानेदार सा पीस लिया है। देन मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ एलोवेरा जेल एंड या हमारा पेस्ट तैयार है। सो गाइज, स्क्रबिंग जो है वो हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे जो फेस पे जो कुछ गंदगियाँ होती हैं, कुछ जो ब्लैकहेड्स होते हैं, डेड स्किन होती है, वो उन्हें क्लीन करता है एंड पिगमेंट जो होते हैं वो उन्हें भी रिड्यूस करता है। हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो उसे भी फिल करने में हेल्प करता है। एंड अगर हम इसे अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। सो बहुत ही हेल्प होता है हमारे स्क्रबिंग करने से, हमारे स्किन पे बहुत ग्लो आता है। एंड द चीनी जो है वो स्क्रबिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो मैंने अपने पूरे फेस को, अपने लिप को अच्छे से स्क्रब कर लिया है एंड आप देख रहे हो गाइस कितना ग्लो कर रहा है जब मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ हमारा जो फेस है। सो या मैंने इसे क्लीन कर लिया है। सो या गाइस, आप देख सकते हो मेरा फेस कितना क्लीन एंड कितना अच्छा दिख रहा है। सो थर्ड स्टेप है हमारा फेस मास्क। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है मुल्तानी मिट्टी एंड अगेन एलोवेरा जेल। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगाऊँगी द हेल्प ऑफ द फिंगर। एंड गाइज, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि जो ये मुल्तानी मिट्टी है वो कितनी अच्छी होती है हमारे फेस के लिए, इवन हमारे पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये नानी दादी के टाइम से ही चलते आ रहा है। उस टाइम पे जब सोप नहीं होते थे, लोग अपने पूरी बॉडी पे यही अप्लाई करते थे नहाते टाइम, इवन जब वो चाहे। सो आप भी अगर अपने स्किन को और अच्छा बनाना चाहते हो, अपने बॉडी स्किन को, तो आप भी वीक में एक बार इसे अप्लाई कर सकते हो अपने होल बॉडी पे एंड यू गाइज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो इसे मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। सो इसे मैं 10 मिनट तक ड्राई होने दूंगी। सो आप देख सकते हो गाइस, ये ड्राई हो चुका है, यू कैन सी। सो अब मैं इसे अच्छे से धो लूंगी नॉर्मल वाटर से। सो देन हमारा फोर्थ स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ नारियल का तेल। आप चाहो तो ग्लिसरीन भी ले सकते हो, नारियल तेल भी ले सकते हो एंड उसमें हल्का सा हमें एलोवेरा जेल मिलाना है एंड उसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। क्योंकि गाइस, अगर आप कोई भी फेस मास्क लगाते हो तो उसके बाद हमारा फेस जो है हल्का सा ड्राई फील करता है, रफ फील करता है, तो उसे मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं ये लगा रही हूँ और हम अपने फेस को अच्छे से मसाज भी करेंगे, क्योंकि मसाजिंग हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन ग्लोइंग, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं इसे अच्छे से अपने फेस पर मसाज कर रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से। एंड
एंड गाइस, अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, इसे क्लीन करने के लिए हमें एक वार्म वाटर में टॉल को गीला करके इसे क्लीन करना है। द लास्ट बट नॉट द लेस्ट स्टेप इज़ द एलोवेरा जेल, ओनली एलोवेरा जेल, एंड इसे हमें अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है एंड अच्छे से मसाज करते हुए। एंड मैं अपने फेस को अच्छे से एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ अपने फिंगर की टिप से। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। सो गाइज, मैंने अपने लिप पे भी लिप बाम लगा लिया है। सो या गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल